दोस्तों अभी बनाएंगे अपन मछली। तो मछली बना रहे हैं अपन, तो कैसे बनाते हैं तो मैं आपको पूरा बता दूँ। तो एकदम प्यारा मौसम है और बादल वगैरह पूरे आए हुए हैं। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? तो ठीक ही होंगे। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। और आज भी अपन मार्केट नहीं गए हैं क्योंकि हर दिन कंटिन्यू बारिश हो ही जा रही है, इसीलिए अपन हम ज़्यादा मार्केट नहीं जाते हैं। क्योंकि अभी जो बरसात के समय है उसके वजह से जो सब्जी का लेके लाते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, इसीलिए हम ज़्यादा करके बरसात में या पानी वगैरह का माहौल दिख रहा है या पानी आ रहा है उस समय दोस्तों अपन ज़्यादा करके जाते ही नहीं मंडी वगैरह सामान लाने के लिए। तो इसीलिए थोड़ा बंद है, इसीलिए आपको सब्जी की थोड़ी वीडियो दिख नहीं रही है, लेकिन आपको फैमिली ब्लॉग में आपको फुल दिखा रहा हूँ दोस्तों। फैमिली ब्लॉग में आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो आप देख ही सकते हो अभी बहुत ही ज़्यादा ने धीमी धीमी बारिश हो रही है। तो सुबह एकदम जोर से आ रही थी, अभी एकदम धीमी धीमी आ रही है। तो अभी वह बज चुके हैं सुबह के 9 और मेरे पिताजी अभी आ चुके हैं घास लाके गैया के लिए। अभी देखते हैं अपन पप्पा जी क्या कर रहे हैं। तो चलिए अपन देखते हैं। और ये आ गए पप्पा जी के पास, तो आप देख ही सकते हो ये मेरे पिताजी भी थोड़ा मोबाइल ही चक रहे हैं। और अले कैसा है कि अभी बारिश तो आ रहा है और हवा वगैरह भी चल रही है तो ठंडी लग रही है करके मेरे पिताजी पूरा यानी बिस्तर पे ही सो गए और मोबाइल ये देख रहे हैं बस। हाँ, और इनका चालू है मोबाइल देखना, देख सकते हो पूरा मोबाइल ही चक रहे हैं। या और मेरी मम्मी आ चुकी है अभी, और देख सकते हो मम्मी अभी ये है ये देख सकते हो मम्मी अभी थोड़ा नहीं घर का काम करती रहती है दिन भर, अपना पुटरू पाटर कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर और बाकी खेत के तरफ जाती रहती है। तो बस अभी अपन थोड़ा देखते हैं, थोड़ा काम वगैरह करते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद में। तो दोस्तों अभी बनाएंगे अपन मछली। तो मछली बना रहे हैं अपन, तो कैसे बनाते हैं तो मैं आपको पूरा बता दूँ अपने देसी तरीके से, क्योंकि अपन गांव वगैरह में मछली कैसे बनाते तो आप देख लीजिए। पूरा एकदम सिंपल तरीके से आपको रेसिपी बताएंगे आज, और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल यानी खाने में एकदम स्वादिष्ट लगेंगी और बाकी कुछ ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं डालेंगे दोस्तों। एकदम सिंपल तरीके से मछली देखेंगे आपको क्लियरिटी से आपको बताएंगे दोस्तों कि जो बारीक बारीक मछली होती है वो कैसे बनाई जाती है। तो चलिए बताते हैं आपको। ये देख सकते हो जैसे हमने मछली धोए हैं उसके बाद हम सीधा ताटी पे रख देते हैं, ताटी पे रख देते हैं सिंपल तरीके से। देख सकते हो कैसे रखे जाते हैं, तो एकदम सिंपल तरीके से बनाते हैं। फिर पर इसमें ज़्यादा कुछ जो मसाला है खड़ा मसाला है वो सब कुछ भी डालेंगे एकदम सिंपल तरीके से, और खाने में भी एकदम स्वादिष्ट लगेंगी मछलियाँ। तो आप देख सकते हो एकदम सिंपल तरीके से डाल दें। अब इसमें मसाला क्या क्या डालते हैं तो आपको बताता हूँ मैं। ये मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं अपन, जो लाल मिर्ची पाउडर होता है वो ज़्यादा नहीं अपने हिसाब से डाल सकते आप, जितना आपको तीखा खाना है उतना इसमें भी डाल दें। अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप। और ये रहा हल्दी पाउडर, अच्छे तरीके से मिक्स करना है उसको, हर एक चीज डालना है। हल्दी पाउडर डाल रहा है अभी, और ये डाल रहा है दोस्तों गरम मसाला। एकदम सिंपल तरीके से गरम मसाला जो घर में अपन लोग डालते हैं वाला गरम मसाला बस। उसके बाद थोड़ा सा नमक
अपने के स्वाद के हिसाब से। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो तेल ऑयल, या ऑयल इतना डालना है कि पूरा अच्छे से जो मसाला है वो पूरा मिक्स हो जाना चाहिए। और ये रहा अमाड़ी का पत्ता, जो हमारी भाजी रहती है वो डालना है, क्योंकि मछली लगती है दोस्तों कड़ू, तो इसके वजह से हम थोड़ा सा अमाड़ी का पत्ता डाल दिए तो ज़्यादा कड़ू नहीं लगती इसमें। वे इसको डायरेक्ट अपन अंगार पर मंडाएँगे और वो अपने आप बन के रेडी हो जाएंगी, एकदम सिंपल तरीका है। ये मंडा दिए हमने अंगार पर यानी गैस पर एकदम सिंपल तरीके से, अभी अपने आप बन के रेडी हो जाएंगी, ये देख सकते हो। ज़्यादा समय नहीं लगता दोस्तों, आज से 15 मिनट आपको 15 से 20 मिनट में बन के रेडी हो जाएंगी। बीच बीच में देखना पड़ता है कि थोड़ा चिपक मत जाए करके, इसलिए थोड़ा सा हो चुकी है डायरेक्ट अपनी बन के रेडी। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी है, एकदम गर्म गर्म। चलो दोस्तों अब इसे खा के देखते कैसा टेस्ट है। तो देख सकते हो ये हमने पाटी में निकाले चावल और मछली की सब्जी। तो दोस्तों मिलते हैं खाने के बाद में। आ चुके हैं अभी छत के ऊपर, और आज की मौसम की बात करूं तो एकदम प्यारा मौसम है और बादल वगैरह पूरे आए हुए है। आज पानी भी आ सकता है और देख सकते हो कितना एकदम ताजी हवा महसूस हो रही है छत के ऊपर आए तो एकदम क्लियरली। और अभी हो चुकी एकदम शाम, यानी 7 बजने वाले हैं। तो आप देख सकते हो, आपको मौसम दिखा तो आज का मैं कैसा मौसम है, तो ये देख सकते हो कितना प्यारा मौसम है आज का, पूरे बादल वगैरह छाए हुए है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर से हमारी मच्छी की रेसिपी आपको अच्छी लगी होंगी तो ज़रूर कमेंट करके बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों आपको जल्दी अगली वीडियो में। आज तक कंटिन्यू दोस्तों आपको ब्लॉग आएगा और मज़ेदार वाले ब्लॉग आएंगे आपके लिए, तो आप इंजॉय ज़रूर करना ब्लॉग देख के। मिलते हैं दोस्तों आपको जल्दी ही। जय हिंद दोस्तों।